मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की एक साल की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा द्वारा देश भर में वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भाजपा की पहली रैली का आयोजन 14 जून को हो चुका है, वहीं 20 और 27 जून को दो और रैलियां प्रस्तावित हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को वर्चुअल रैली को लेकर पत्रकारों से वार्ता की और 20 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान पूनिया ने यह भी बताया कि आगामी 25 जून को बीजेपी इमरजेंसी की बरसी को काले दिवस के रूप में बनाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोदी सरकार 2.0 का एक वर्ष पूरा होने पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तकनीक एवं नवाचारों के सहारे वर्चुअल रैली का नया इतिहास रचने जा रही है। पूनिया ने बताया कि 20 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर व बीकानेर संभाग के लाखों कार्यकर्ताओं एवं जनता को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे और इसी क्रम में 27 जून को अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग की वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। पूनिया ने आगे कहा कि 14 जून को संपन्न हुई वर्चुअल रैली को केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया था, जिसे विभिन्न डिजिटल माध्यमों से 35 लाख कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने सुना व देखा। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को लेकर मोदी सरकार की रीति नीति को जनता के मध्य विभिन्न सामाजिक संगठनों व समाज के विभिन्न वर्गों तक लेकर गए हैं। भाजपा के सभी 7 मोर्चों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, वहीं 200 विधानसभा के प्रत्येक मंडलों में वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं एवं आमजन को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों के विधायकों की बाड़ाबंदी के सवाल पर पूनिया ने कहा कि प्रदेश में पहली बार नहीं हुई है बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी शब्द इस्तेमाल कांग्रेस की देन है। पूनिया ने कहा कांग्रेस व बीजेपी की बाड़ाबंदी में बड़ा फर्क है। पहला तो यह है कि हम कांग्रेस की तरह 15 दिन पहले नहीं हो गए होटल में कैद, वहीं कांग्रेस के विधायक सुनते हैं फिल्मी गाने जबकि हमारे विधायक करते हैं योग। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक बाड़ाबंदी में मनोरंजन कर रहे हैं जबकि बीजेपी विधायकों का चल रहा है चिंतन शिविर। मंगलवार को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद हो जाने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके शासन में 1948 के कबालियों द्वारा कश्मीर पर हमला कर कब्जा कर लिया हो, 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए चीन द्वारा भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा और 1971 में 93,000 बंदियों को रिहा कर जीता हुआ युद्ध पाकिस्तान को सौंप दिया हो, उन्हें आज की परिस्थिति में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, कम से कम रणदीप सुरजेवाला को तो नहीं है। वही मौजूदा माहौल में चीनी सामान के बहिष्कार करने को लेकर आह्वान करने के सवाल पर पूनिया ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि स्थानीय उत्पादों को वरीयता दें, विशेष रूप से चीन के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करें। इसके लिए कार्यकर्ताओं से पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपील करेंगे कि स्वप्रेरणा से कार्यकर्ता चीनी उत्पादों से दूरी बनाएं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।